हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे पास हजारों में कमेंट्स आ गए कि मैम, सीयूईटी बी फार्मा के लिए फॉर्म कैसे फिल करना है वो तो बता दो हमें, कि 2024 में हमें कौन कौन से यूनिवर्सिटीज, कौन कौन से कॉलेजेस, कौन कौन से सब्जेक्ट्स और कौन कौन सा कॉम्बिनेशन हमें सिलेक्ट करना है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, थोड़ा बड़ा हो सकता है ऑफकोर्स, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे आपने फॉर्म फिल करना है। ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आपने करना है शुरू से सारा प्रोसीजर बताऊंगी, क्योंकि बच्चे सीयूईटी में क्या फेस करते हैं मैं आपको क्लियरली बताती हूँ, कट टू कट बात जो 2023 में बच्चों के साथ हुआ कि भाई साइबर कैफे पे जाते हैं फॉर्म फिल करवाते हैं। अब ये ऐसा कोई यूपी पुलिस का या किसी एसएससी का तो फॉर्म है नहीं कि सब एक सा ही फिल होगा, सिर्फ आपकी कैटेगरी और ये देखा जाएगा। भाई यहाँ सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, वो सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन कब बनेंगे, जब आपको पता होगा कि आपकी नीश क्या है, आपका टारगेट क्या है, आपको कहाँ पहुंचना है, किस कोर्स में एडमिशन लेना है, राइट? मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। चलिए, तो वही मैं आपको बोल रही हूँ कि ध्यान से इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर कैफे पे जाके फॉर्म भरवाओ तो आप ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये लिख लेना कि भाई इस वाले पार्ट में, इस वाले पोर्शन में ये करना है, ऐसे फिल करना है, तभी जाके आप उसके सामने बैठ के फॉर्म फिल करवाना। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ हम ऐसा भी नहीं करते कि बेटा आपका फॉर्म फिल हो जाएगा तो आपको कंफ्यूज भी नहीं करते, कंप्लीट प्रोसीजर बताऊंगी। एक दूसरा मोबाइल लो जिसमें मेरी वीडियो चलाओ आप, और दूसरे मोबाइल से अपना फॉर्म अभी मेरे साथ साथ फिल करना शुरू कर दो, क्योंकि इस बार इन्होंने क्यूआर कोड से स्कैन करके पेमेंट करने का ऑप्शन भी दिया है। तो लास्ट में जब आप जाओगे तो अगर आप ऑनलाइन पेमेंट भी यूज नहीं करते हो तो क्यूआर कोड की फोटो लो, किसी को भेजो, वो पेमेंट कर देगा, आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा, ठीक है? लैपटॉप हो तो लैपटॉप खोल के बैठो और साथ के साथ फॉर्म फिल करते चलो। आपने गूगल पे जाना है और जनरली आपने सर्च करना है NTA CUET। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो जो पहला ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दिखेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे आपको जनरली करना है क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा, ठीक है? अब आपने क्या करना है, तो भाई हमने पहले तो रजिस्ट्रेशन खुद को किया नहीं हुआ, हमारा रजिस्टर भी नहीं हुआ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है वो अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल के यहाँ से लॉग इन करके आगे का प्रोसीजर कर सकते हैं। लेकिन 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 हमने तो अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो हमें क्या करना है, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, आपको अगर आपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है यहाँ से आप अपने मोबाइल में, लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ भी अगर आपने नहीं करना है तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में 3 दिन पहले ही इंफॉर्मेशन बुलेटिन को प्रोवाइड करवा चुकी हूँ, क्योंकि जो अपडेट मैं अपना यहाँ आपको यूट्यूब चैनल पे थोड़ा लेट हो जाता है, नहीं दे पाती हूँ अगर बाय चांस, वैसे तो कोशिश पूरी रहती है लेकिन बाय चांस अगर नहीं दे पाती हूँ तो आपको ये अप टू डेशन जो डिटेल्स होती हैं या अपडेट्स होती हैं वो सब मिलेगी आपको हमारे कहाँ पे, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। इसीलिए मैं बोलती हूँ टेलीग्राम चैनल को जाके आप लोग फॉलो कर लीजिए, BSP फार्मेसी के नाम से है, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जी, नीचे चलते हैं, स्क्रॉल करके यहाँ पे आपको इसको एग्री कर देना है, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है, तो ये प्रोसीड हो गया। अब यहाँ देखो ये कुछ आपके सामने ऑप्शंस आएंगे कि आप आधार कार्ड से लॉगिन करना चाहते हो, आप पैन कार्ड से करना चाहते हो, आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस से करना चाहते हो, आप अपने पासपोर्ट से करना चाहते हो, या फिर आप डिजी लॉकर की आईडी से करना चाहते हो। तो अगर जिन स्टूडेंट्स ने डिजी लॉकर पे आईडी बना रखी है वो उसी से लॉगिन करें, फिर आपको अपने डिटेल्स या कुछ भी फिलअप करने की कोई ज्यादा नीड नहीं होगी, क्योंकि जो ओवर स्मार्ट बच्चे होते हैं ना, जो स्मार्ट बच्चे होते हैं वो पहले से डीजी लॉकर की आईडी बना के रखते हैं, बस डीजी लॉकर का वो डालना है, आईडी डालनी है और फट आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे। अब ये डीजी लॉकर क्या है ये बताने लगूंगी तो बहुत लेट हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें वो करना है जो मैक्सिमम स्टूडेंट के पास अवेलेबल हो, जैसे कि आधार कार्ड। तो आई हैव एन आधार कार्ड, कि मेरे पास आधार कार्ड है और मैं आधार कार्ड से ही लॉगिन करना चाहता हूँ। यहाँ अपना आधार कार्ड नंबर आपने डालना है, ठीक है, मैं डाल देती हूँ, पे आपने क्लिक करना है और जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पे आपका ओटीपी चला जाएगा। ज्यादातर स्टूडेंट के पापा का या गार्जियन का ही नंबर होता है कि भाई आधार कार्ड नंबर जो है वो फादर का डला हुआ है या जो भी चीजें हैं, तो आप ऐसा कर सकते हो कि भाई फादर का जो आधार कार्ड नंबर है
मतलब आपका जो आधार कार्ड नंबर है उस पर फादर का मोबाइल नंबर डला होगा, तो जो ओटीपी है वो वहीं पे जाएगा, ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। तो जिस भी नंबर पे ओटीपी जाए वहां से आपको ओटीपी उठाना है और आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। मैं को देख लेती हूँ कि मेरे पास ओटीपी आया है क्या। जी हाँ, आई हैव रिसीव्ड, तो मैं यहाँ पे अपना ओटीपी कल कर देती हूँ, आप लोग भी कर लीजिए साथ के साथ। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसको आपको वैलिडेट कर देना है। और ये देखिए, ये हमारी जो डिटेल्स हैं वो जो भी हमारे आधार कार्ड पे हैं वो सारी यहाँ पे आ गई है। ठीक है, नाम आ गया है। अब यहाँ फादर्स नेम डाल लेते हैं, जो भी आपके पास फादर का नेम हो वो आप यहाँ पे डाल लेंगे, फटाफट से डाल लीजिए। सारी डिटेल फिल करनी है, मदर नेम डालना है यहाँ पे। ठीक है, 4 दिसंबर, ये सब हो गया है। नेशनैलिटी क्या है आपकी, इंडियन है भाई, भारतीय है हम। आइडेंटिटी टाइप क्या करा है आपने, पैन कार्ड आधार कार्ड क्या करना है, तो ये यहाँ आधार कार्ड भी डाल सकते हैं आप, या फिर पैन कार्ड डाल लीजिए कि भाई मुझे जो आइडेंटिटी टाइप है मेरा वो क्या है, पैन कार्ड है। यहाँ पे आपको नंबर डालना होगा, तो फिर से आप अपने पैन कार्ड का नंबर डालो। पैन कार्ड नहीं है तो जो भी वहाँ पे बोला गया है वो आप डाल सकते हो। ठीक है जी, जहाँ भी आप रहते हो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे डालनी है। तो जैसे मैं, तो डालना वही है जहाँ आप रहते हो, ऐसा ना हो कि आप भी मेरी तरह कुछ भी डाल रहे हो, फंस जाओगे बेटा, ऐसा नहीं करना आपने। ठीक है, सब लोकेलिटी जो भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आप कहाँ रहते हो, लोकेलिटी क्या है, ये सब चीजें। कंट्री तो सबको पता ही है कि भाई कहाँ के हैं हम, कहाँ कहाँ हमारा इंडिया। ठीक है जी, स्टेट क्या है आपका, तो भाई मैं यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश, तो वही डालेंगे। डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, भाई डिस्ट्रिक्ट मेरा है मेरठ, तो मैं यहाँ पे डाल लेती हूँ मेरठ। उसके अलावा पिन कोड क्या है आपका, ठीक है जी, हम पिन कोड भी डाल देते हैं, आप भी पिन कोड डाल लेना। और जो लोकेलिटी और पूरा एड्रेस है वो बिल्कुल सही सही आपने भरना है। ठीक है, ईमेल एड्रेस जो भी है मेरा मैं वो भर लेती हूँ, ईमेल आईडी, तो ये कंफर्म भी करना है आपने। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपको कंट्री कोड क्या है हमारा, आप सब जानते ही हैं, 91 है, मोबाइल नंबर अपना डाल देंगे। आपका मोबाइल नंबर ईमेल आईडी हमेशा एक्टिव रहता हो, क्योंकि जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो सब मोबाइल नंबर पे टेक्स्ट मैसेज के थ्रू, या फिर अगर कोई कंफर्मेशन या कोई रिकॉल कॉल भी आपको आ सकता है, या फिर आपको मेल नहीं मिलेगी, ईमेल पे। तो ईमेल और मोबाइल नंबर बिल्कुल करेक्ट डालना है, जो आपके पास हमेशा अवेलेबल हो। ठीक है जी, चलिए, सेम एड्रेस है मेरा, प्रेजेंट एड्रेस भी, तो ये सारी चीजें हो गई हैं। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड चूज करना है, जो भी आप पासवर्ड बनाना चाहो, ठीक है, वो आपने चूज करना है। उसका फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल रखना है, फिर उसमें एक कोई भी अपर केस वाला हो, जैसे एट द रेट हो गया, हैज हो गया, ऐसा कुछ भी डाल देना है, और फिर आपको नंबर्स भी डालने हैं। तो ऐसा करके आपने पासवर्ड बनाना है, कंफर्म पासवर्ड कर लेंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन, व्हाट इज योर बर्थ सिटी, तो यही आप कर लो, यही सबसे इम्पोर्टेंट, वो सबसे जरूरी रहेगा आपके लिए। तो आपकी बर्थ सिटी कौन सी है, मेरठ है मेरी, तो बर्थ सिटी तो मैंने मेरठ डाल दिया। जैसे आप कभी ये पासवर्ड भूल जाते हो, या आप कुछ कर ले, मतलब आपका कुछ फॉरगेट हो गया, तो आप क्या करेंगे, ये आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेंगे, अगर वो मैच करेगा तो फिर आप उसको रीजनरेट कर सकते हो, तो इसलिए ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फिर ये यहाँ पे आएगा आपका सिक्योरिटी पिन, तो वो जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही आपने डालना है, क्योंकि इन्हें लगता है कि कहीं कोई एम ही तो फॉर्म नहीं भर रहा, तो ये इसलिए बार बार चीजें आपसे वेरीफाई करवाते हैं। ठीक है जी, देखिए मेरे को इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, इसलिए मेरे सामने जो भी चीजें आ रही हैं तो मैं वो, जैसे मैंने एड्रेस वाला था कुछ भी एम ही भर दिया, लेकिन आपको एग्जैक्ट एड्रेस अपना भरना है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे आना है कि आप वेरीफाई करो कि आपने ये सारी चीजें सही भरी हैं। कैंडिडेट नेम, यस मेरा सही है, मैं यहाँ सब टिक कर रही हूँ बिना देखे, आपने क्रॉस चेक करना है 2 बार, क्या मैंने सही भरा है, अगर सही भरा है तो उस पर टिक कर दे। फादर्स नेम, यस मेरा फादर नेम भी बिल्कुल सही है, मदर्स नेम, यस मेरा वो भी बिल्कुल सही है, इसके बाद आप एडिट नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। फिर जेंडर मेरा सही है, डेट ऑफ बर्थ मेरा सही है, मोबाइल नंबर मेरा बिल्कुल सही है, ईमेल एड्रेस मेरा सही है, एड्रेस भी मेरा सही है। आपने क्लैरिफाई कर दिया कि आपका एड्रेस, आपकी सारी चीजें, आपकी जितनी भी आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल ओके है। ठीक है, अब अगर आपने यहाँ पे एडिट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, बट अगर आप यहाँ एडिट नहीं करते हो तो आप इसको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे और सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। अब ये फाइनल प्रोसीजर है जब आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा, क्या है बेटा, फाइनल प्रोसेस है जब आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा। अब ये ओटीपी हो गया है सेंड, और ये सेव करने के लिए बोल रहा है, तो मैं इसको सेव कर देती हूँ, ओके पे क्लिक करेंगे। अब आपकी ईमेल, जो आपने ईमेल आईडी डाली थी ना, उस पे ओटीपी गया होगा, तो मैं चेक कर लेती हूँ कि भाई वही ईमेल पे ओटीपी आया है क्या, राइट, तो
वन सेकेंड, मेरी ईमेल पे ओटीपी, बहुत तेज प्रोसीजर है, आप लोगों को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? बहुत बहुत ही बढ़िया प्रोसीजर है। जैसे यहाँ पे मेरा ओटीपी आ गया है तो मैं यहाँ फिल कर देती हूँ। सो यहाँ आपको ये सिक्योरिटी पिन डालना है 3 5। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो गया है। क्या हो गया है? आई एम रजिस्टर्ड, मैं रजिस्टर्ड हूँ। अब आपको यही होम पेज पे वैसे ही रिडायरेक्ट कर देगा, जैसे ही आपको ईमेल आईडी पे आपका एप्लीकेशन नंबर तुरंत मिल जाएगा, अगर आपके फोन में कोई स्पैम फाइल वगैरह नहीं खुली हुई है, ठीक है? तो मुझे मेरा एप्लीकेशन नंबर मिल गया है तो मैं यहाँ पे फिल कर लेती हूँ आप लोगों के सामने। तो जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, वही जो आपने जनरेट किया था, जब वो डालेंगे तो उस पर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, मतलब रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, राइट? रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, एप्लीकेशन फॉर्म आपका इनकम्प्लीट है, फी पेमेंट आपका इनकम्प्लीट है। अब जो मेन क्राइटेरिया शुरू होगा वो होगा किसका, भाई आपने एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। रजिस्ट्रेशन अगर कंप्लीट नहीं होगा तो एप्लीकेशन फॉर्म पे आप पहुंच ही नहीं पाओगे, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जहाँ पे आपको मेन फोकस करना है वो है एप्लीकेशन पार्ट। तो यहीं पे क्लिक करके नहीं होगा, साइड में एप्लीकेशन का ऑप्शन था, वहां क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। भाई अभी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमारी इनकम्प्लीट है, कैसे इनकम्प्लीट है देख लेते हैं। भाई कॉन्टेक्ट डिटेल्स पे हमने क्लिक किया तो ये सारी डिटेल्स हमारी यहाँ पे फिल हैं, बिल्कुल सही हैं, ओके हैं। नीचे करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करेंगे और इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है जी? तो हमारा ये एक प्रोसीजर हो जाएगा, मतलब हमने पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया, ठीक है जी? अब हमारा क्या होता है कि भाई दूसरा हमारे ये सारी चीजें आ रही है, जैसे कि सब चीजें आपने भरनी है, जो जो डिटेल आपने भर दी थी वो ठीक है, जो डिटेल आपने नहीं भरी है उनके ऊपर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट एजुकेशन की आप क्या कर रहे हैं, मतलब आपके फादर की एजुकेशन क्या है, तो मैं यहाँ पे भर देती हूँ, जो आपके फादर की हो मदर की हो वो आपने भरना है। मैं यहाँ कुछ भी भर रही हूँ उससे मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है जी? जो आपका एनुअल इनकम है, कि फादर का इनकम सोर्स क्या है, कितनी एनुअली वो मतलब इनकम करते हैं, तो वो सारी चीजें भरनी है, बिल्कुल ध्यान से और सोच समझ के, इफेक्ट पड़ता है इन चीजों का। आर यू डायबिटिक, तो अगर हो तो यस, और नहीं हो तो नो, अगर आपको शुगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नो। फिर मोड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑनलाइन कोचिंग यहाँ पे डाल देंगे। तो अगर आप ऑनलाइन कोचिंग से कर रहे हो, सेल्फ कर रहे हो तो सेल्फ डालना है, कहीं और से किसी और सोर्स से कर रहे हो तो वहां से डालना है, ठीक है? फिर आ जाता है भाई आपका, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो, पीडब्ल्यूडी का मतलब क्या होता है कि अगर आप विकलांग वगैरह हो तो ठीक है, यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे, ठीक है जी? उसके अलावा फादर ग्रेजुएशन ऑक्यूपेशन, की आपके फादर क्या करते हैं, भाई एग्रीकल्चर, मतलब मैंने डाल दिया है ना, आपके जो हो आप वो डाल देना। मदर क्या करती हैं, तो भाई वो मैं यहाँ डाल देती हूँ कि वो भी एग्रीकल्चर में है। फिर आर यू ट्विन और बोथ, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप ट्विन हो, शक्ल जैसे मिलती हुई हो, फादर मदर सेम हो तो उसमें मिसमैच हो जाता है, तो अगर आप ट्विन हो तो यहाँ यस करेंगे, नहीं हो तो नो करेंगे। फिर उसके बाद प्लेस प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कि आप गाँव से हो या फिर आप शहर से हो, तो अगर आप गाँव से हो तो रूरल डाल देंगे। मीडियम, मतलब आप किस मीडियम में पेपर देना चाहते हैं, हिंदी बंगाली उर्दू, किस में देना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। अगर आप हिंदी में देना चाहते हो तो हिंदी सिलेक्ट करना, कि आपको पेपर हिंदी में देना है, ध्यान से सुनना मेरी बात, हिंदी में पेपर देना है तो हिंदी ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? अभी के लिए मैं यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट कर लेती हूँ, अगर आपने हिंदी में देना है तो बेटा हिंदी ही सिलेक्ट करें। आपकी रीजनल लैंग्वेजेस भी है, देखो हिंदी है यहाँ पे, असामिच है, बंगाली है, चाइनीज है, फ्रेंच है, गुजराती है, तो सारी कश्मीरी है, सभी लैंग्वेज यहाँ पे दी हुई है, हर तरीके से आपको इन्होंने क्या दिया है, करा है भाई, सेव कर दिया है ना। तो ये देखो यहाँ आया है स्टेट डोमेसाइल, कि भाई आप कहाँ किस स्टेट से हो, ये तो हम भूल ही गए डालना। चलो जी हम उत्तर प्रदेश से हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बचा, तो इसे सेव एंड नेक्स्ट पे, और भी बच गया है भाई, कैटेगरी भी हमने सिलेक्ट नहीं की, हम जनरल से हैं, जिस भी कैटेगरी से आप लोग हो तो आप वो सिलेक्ट कर लेना, जो आप सिलेक्ट नहीं करोगे आपको बता देगा जब आप आगे करोगे, ठीक है? सेव एंड नेक्स्ट पे कर देते हैं क्लिक। तो भाई ये वाला प्रोसीजर भी हमने पूरा कर लिया। अभी मैं थोड़ा तेज तो नहीं बोल रही हूँ, अगर तेज लग रहा है तो चलो मैं थोड़ी स्पीड अपनी कम कर देती हूँ, लेकिन हाँ प्रोसीजर देख के, सोच के, समझ के तभी आपने आगे बढ़ाना है, वरना बाद में पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचता है। हम नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं। डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, तो अगर यस तो यस ही भरना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि यहाँ शर्माने वाली कोई चीज नहीं। फिर उसके बाद वार्ड ऑफ डिफेंस, क्या डिफेंस वगैरह से आपका कोई रिलेशन है, या डिफेंस में आपके मदर या फादर कुछ हैं, तो यस नो तो नो, ठीक है? क्लेम फॉर स्पोर्ट कोटा, अगर आप स्पोर्ट कोटा से हो, कोई नेशनल खेल के आया है या किसी भी चीज से, तो
तो अगर आपको उसके लिए क्लेम करना है तो आप यहाँ पे यस भी कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपके पास कोई स्पोर्ट कोटा नहीं है तो आप अफकोर्स यहाँ नो करेंगे। तो आर यू अ कश्मीरी माइग्रेंट, अगर आप कश्मीरी हैं तो प्लीज यहाँ यस ही भरें, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कश्मीर से होते हैं और यहाँ नो भर देते हैं, उन्हें लगता है कि शायद मुझे फैसिलिटी कम मिलेगी, बल्कि ज्यादा मिलती है। आपको कुछ यहाँ पे मिलता है कि सरकार की तरफ से कुछ हेल्प वगैरह भी होती है, तो अगर आप कश्मीरी हैं तो प्राउड टू बी कश्मीरी, तो ऐसा करके यहाँ पे भाई वो यस ही करना है। मैं अभी नो कर रही हूँ। क्लेम फॉर एनसीसी कोटा, अगर एनसीसी कोटा आपके पास है तो उसके लिए आपको यस करना है, नहीं है तो नो करना है, ठीक है। आर यू अ वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, किसी भी यूनिवर्सिटी में, ठीक है, आपके फादर या मदर अगर एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ पे वो यस करेंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो सकता है, और अगर नहीं है तो ऑफकोर्स यहाँ पे आप नो करेंगे। अब आपको एग्री कर लेना है कि हाँ मैंने सारी डिटेल सही फिल की है, दो बार क्रॉस चेक करके फिर बोलूंगी, ठीक है, ओके कर देना है। अब यहाँ पे क्या करना है, रिजल्ट स्टेटस, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पास करना है कि मैं पास हूँ 10th में, ठीक है। उसके टाइप ऑफ स्कूल क्या है, तो भाई मैं मान के चलो मैं गवर्नमेंट स्कूल ही डाल देती हूँ, गवर्नमेंट स्कूल था, बोर्ड यूनिवर्सिटी तो वो था मेरा यूपी बोर्ड, ऐसा करके आप डाल सकते हैं, ठीक है, यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल है ना, तो ये यूपी बोर्ड डाल देंगे। स्कूल कॉलेज पिन कोड, तो ये हाँ स्कूल का पिन कोड मैं कुछ भी डाल दूँ तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है रिजल्ट मोड, कि भाई परसेंटेज में था या फिर कैसे था, टोटल मार्क्स कितने थे, तो मान के चलो मैंने बोला कि 500 में से था मेरा पेपर और मुझे मिले हैं कितने नंबर, 400 नंबर मिले हैं जी, ठीक है, ऐसा करके डाल देंगे तो मेरी ये परसेंटेज बता देगा। फिर उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, मैंने कौन से साल में ये पास किया है, तो भाई जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ जो डाली थी मेरी, तो बिल्कुल एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ मैंने डाली थी, तो मेरे हिसाब से अब यहाँ पे 10th किस हिसाब से करनी चाहिए, कुछ भी डाल दो, आपके हिसाब से डाल दूँ क्या कि 2021 में आपने 10th की थी, ऐसा डाल दें क्या कि 2021, चलो 2020 डाल देते हैं ना, ऐसा कर लेते हैं। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, भाई रूरल एरिया से है ना, गाँव के बच्चे हैं पढ़े हुए हम, अगर आप भी हैं तो रूरल डालें अगर गाँव से पढ़े हुए हैं। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, भाई इंडिया हम भारतीय हैं, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, तो इसको हम सेलेक्ट करना पड़ेगा हमको, ठीक है, तो हम कर लेते हैं सेलेक्ट, और ये सेलेक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये बहुत ही खेद की बात है। अभी उनका नेम हम यहाँ पे डालते हैं SGPG, ऐसा करके रोल नंबर जो है वो हम डाल देंगे कुछ भी, कि मेरा फलाना फलाना रोल नंबर था। आपको फलाना फलाना नहीं डालना है, आपको वही रोल नंबर डालना है जो आपका एग्जैक्ट है, क्योंकि आप वहां फॉर्म फिल कर रहे हो, मैं यहाँ फॉर्म फिल करके आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, तो ये वाली चीज है। अब यहाँ सेलेक्ट करना है, लेकिन सेलेक्ट करने का ऑप्शन ये हमें नहीं दे रहे हैं, इसमें इनकी गलती है, तो ये बग होता है, ये वेबसाइट बिजी होने का कारण होता है, अभी आ जाएगा, चलो कोई बात नहीं। ये देख लेते हैं भाई अपियरिंग, मैं अभी 12th अपियरिंग हूँ, मोस्टली बच्चे वही होंगे जो अपियरिंग होंगे, है ना, अगर आपके पास है तो आप पास पे लिखेंगे। फिर उसके बाद ईयर ऑफ अपियरिंग, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ईयर ऑफ अपीयरिंग 24 ही होगा क्योंकि मैं अपीयरिंग हूँ। क्वालिफाइंग एग्जाम 12th, और ये हो गया। फिर उसके बाद प्लेस ऑफ स्कूलिंग जो है वो रूरल एरिया ही है भाई। उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है। क्वालिफाइंग एग्जामिनिंग कंट्री इंडिया ही है। एग्जामिनिंग स्टेट क्या है, तो इसमें तो देखो आ रहा है, वहां नहीं दिखा रहा है, ये उत्तर प्रदेश है भाई। क्वालिफाइंग एग्जामिनिंग डिस्ट्रिक्ट, तो भाई मैं हूँ मेरठ से, तो हम यहाँ मेरठ ही लिखेंगे, ठीक है, मेरठ लिख दिया। बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या है आपकी, तो ऑफ कोर्स वो यूपी बोर्ड है उत्तर प्रदेश, है ना। उसके बाद स्कूल कॉलेज नेम, तो यहाँ फलाना फलाना नहीं, हमने फलाना नहीं लिखा था, SGPG लिखा था ना, तो वही लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्कूल कॉलेज पिन कोड है, कि पिन कोड आपके स्कूल कॉलेज का क्या है, तो ये यहाँ पे हम डालते हैं। रोल नंबर क्या है, तो रोल नंबर जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ भी आप रोल नंबर डाल सकते हो, लेकिन आपका जो रोल नंबर है आपको वही डालना है, क्योंकि 12th हो या कुछ भी हो रोल नंबर आपका आ गया होगा, है ना। चलो जी, ये हमारा फुलफिल हो गया। मैं फिर बोलूंगी सबमिट करने से पहले दो बार क्रॉस चेक करें, यहाँ मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ, लेकिन आपको वो फॉर्म सीरियसली फिल करना है, पेमेंट भी करनी है, तो बहुत ही ध्यान से करें, बहुत ही अच्छे से करें, और इसी के साथ हमारा ये वाला स्टेप भी कंप्लीट होता है। बहुत ही खुशी की बात है कि हमने ये स्टेप भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है जी। अब भाई ये वाला पार्ट जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट नहीं बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, आपके एप्लीकेशन फॉर्म का, वो भाई यही है। तो अब ये आप
को बिल्कुल बड़े अच्छे से खोल लो, ध्यान से कानों को खोल लो। अगर फॉर्म साथ के साथ फिल नहीं कर रहे हो, कॉपी पेन उठाओ और उन कॉपी पेन में डिटेल्स भरनी शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो कि मैंने क्या क्या सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैं अपने हिसाब से आपको बताऊंगी, यूनिवर्सिटी आपने ही टारगेट करनी है, फिर भी मेरे हिसाब से जो बेस्ट है मैं वही आपको बताऊंगी। आपने फिर भी अपने हिसाब से जो बेस्ट है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। कितने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं, कितने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके फायदा होगा, कितने कोर्स सेलेक्ट करें, सारी चीजों को बात करेंगे। देखिए मेरा मानना है, देखो अलग अलग टीचर्स का, अलग अलग जो आपके गाइड होते हैं, मेंटोर होते हैं, अलग अलग थिंक होती है ना। जैसा आपके साथ वाले जो बच्चे हैं, कोई भी, कोई इंजीनियरिंग जाएगा, कोई मेडिकल फील्ड में जाएगा, कोई फार्मेसी में जाएगा, कोई कहीं, कोई कहीं, सबकी सोच अलग है, सबके सोचने का तरीका अलग है। वैसे ही मेरा भी तरीका थोड़ा सा अलग है कि आपका टारगेट सिर्फ एक होना चाहिए, है ना, वो टारगेट या तो वो या फिर कुछ भी नहीं। ऐसा अगर आप सोच के चलोगे तो 100% आपका फोकस इसी पे रहेगा। और अगर आप ऑप्शन दे देते हो ना खुद को, तो ये जो बुद्धि है ना, आपकी माइंड जो है, आपकी बॉडी जो है, वो और भी ज्यादा ऑप्शन ले लेती है ना। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको ऑप्शन नहीं लेने, अगर आपका मन है तो ऑफकोर्स आप ऑप्शन जरूर लेना, अच्छी चीज है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, ठीक है जी। तो यहाँ हमें कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे गुरु घासीदास हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है। और सेलेक्ट करना है आपको कि आपको कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, तो बैचलर ऑफ फार्मेसी यहाँ पे आपने किया। अब आपने ऐसे ही जो आपकी टारगेट यूनिवर्सिटी, जैसे आपकी डॉक्टर हरि सिंह बोर विश्वविद्यालय टारगेटेड यूनिवर्सिटी है, वो अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो फॉर्म को आपको स्किप करना है। आपकी एकेटी यूनिवर्सिटी अभी तक इसमें अपडेट नहीं हुई है, तो आपको उसको स्किप करना है थोड़े टाइम के लिए। जैसे ही अपडेट हो जाएगी 2-4 दिन में, तो आप अपना फॉर्म पर्टिकुलर फिल करना। पहले आपको सेलेक्ट करना है वो चीजें कि हाँ भाई मैं ये 5 यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा हूँ, तो वो 5 की 5 यूनिवर्सिटीज आपको यहाँ पे इसी तरीके से ऐड करनी है। यहाँ ये ऐड हो गया, अब आपने देखना है कि भाई यहाँ पे ऐड कर देना है। ये ऐड हो गई, और देखो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए क्या मांग रही है, सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट मांग रही है, ठीक है। वैसे ही आपने क्या करना है, आपको और यूनिवर्सिटीज भी यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपकी फार्मेसी करवाती हो, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि अगर किसी एक दो में निकल जाए तो मैं आपको देखू। ये आ गया क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की में, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है ये भी, लेकिन मैं आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में इन यूनिवर्सिटीज को रखने को बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। आप लोगों को वेट करना है जब सारी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो बैचलर ऑफ फार्मेसी को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे इसको भी ऐड कर देना है। जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि क्वांटम यूनिवर्सिटी जो है बैचलर ऑफ फार्मेसी करवाने के लिए फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है, इस तरीके से करवा रही है कि भाई वो है या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होगा या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मतलब आपका डोमेन सब्जेक्ट के साथ ही एडमिशन करवा रही है, जो मेनली होता ही है, ठीक है। ऐसे ही आप अपनी जितने भी यूनिवर्सिटीज, मैं आपको बोलूंगी कम से कम 5 यूनिवर्सिटीज का टारगेट बनाओ। अपनी जो टारगेट यूनिवर्सिटीज हैं उनको टारगेट करने के लिए आपने क्या क्या करना है वो बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। आई एग्री पे क्लिक करना है, यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके आ जाते हैं टेस्ट पेपर्स। ध्यान रखना कि पिछले साल था कि आप मैक्सिमम 10 पेपर्स दे सकते हैं, 10 पेपर दे सकते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने कर दिए 6 पेपर, कि 6 पेपर से ज्यादा आप पेपर नहीं दे सकते हो। तो पहला पेपर आपको किसका देना है, पैसे उसी हिसाब से लगेंगे, 1,000 तो फीस लगेगी ही, ऊपर जितने सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करते हो उस हिसाब से फीस लगेंगी है। तो भाई सबसे पहले लैंग्वेज, तो बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो लैंग्वेज कभी कभी मांग लेते हैं। तो जैसे पिछले साल मैंने बोला था कि सिर्फ डोमेन्स के साथ आप लोग पार्टिसिपेट करो, वो सही है, 90% जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं वो डोमेन्स ही मांगेंगे कि आप सिर्फ डोमेन दो और आप एडमिशन लो। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज 10% या 5% ऐसे हैं जो अच्छे हैं, टॉप क्लास हैं, लेकिन वो कभी ना कभी एडिशनल जनरल टेस्ट मांग लेते हैं या लैंग्वेज मांग लेते हैं। तो हम क्यों रिस्क ले, हमारे पास ऑप्शन होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंग्लिश ले लो, ठीक है, लैंग्वेज कोई भी एक ले लो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी मांग रही है। तो मेनली क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है तो यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो मोस्टली यूनिवर्सिटीज मांगती है। अगर लैंग्वेज मांग रही है तो भाई हमें देना है इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश का पेपर दे दूंगा। ये मोड ऑफ एग्जामिनेशन नहीं है कि आपको किस लैंग्वेज में पेपर देना, वो हम पहले सिलेक्ट कर चुके हैं, हिंदी इंग्लिश गुजराती मराठी किस में देना वो सिलेक्ट कर चुके हैं। लेकिन यहाँ ये पेपर है, जैसे आपका 12th में इंग्लिश का एक पेपर होता है ना, ऐसे ही ये पेपर होगा लैंग्वेज का पेपर, ठीक है। तो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सेकंड में आ जाता है कि सेकंड में आपने क्या करना है, पर है वो मैं जनरल टेस्ट कर दूँ, ठीक है, इसको मैं जनरल टेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। अभी अब मैं आपको बताती हूँ कि ये भी कैसे सेलेक्ट करना है। टेस्ट पेपर थर्ड में हम क्या देंगे, मेरे को देना है केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो आपके पास है वो तीनों ही सेलेक्ट कर लें।
ठीक है, ये आ गया बायोलॉजी। ठीक है, और ये आपको सेलेक्ट करना है, हमारे लिए पांच पेपर जो है ना, एक लैंग्वेज ले ली इंग्लिश हमने, एक जनरल टेस्ट ले लिया, मतलब आप कोई भी यूनिवर्सिटी हो जिसमें भी हम एडमिशन लेना चाहते हैं तो झटाक से लेंगे, फटाक से लेंगे, अब हमें चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो मीडियम ऑफ पेपर इंग्लिश का तो इंग्लिश ही होगा, मीडियम ऑफ पेपर आप जनरल टेस्ट का हिंदी में देना चाहते हो पेपर या इंग्लिश में देना चाहते हो वो आपने यहाँ बताना है। तो मेरी बात सुनो, स्क्रीनशॉट लो, इसका मैं साइड हो जाती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट फटाफट से, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो भाई। आप जब जाओ ना साइबर कैफे वाले के पास, भैया मेरे ये सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, और यूनिवर्सिटीज घर से लिख के ले जाना कि ये यूनिवर्सिटीज है, सबके लिए बी फार्मा सेलेक्ट करना है। अगर कोई बच्चा बी फार्मा के साथ बीएससी में भी कुछ रिस्क लेना चाहता है या कोई सी दूसरे कोर्स में लेना चाहता है तो वो भी आप वहीं से सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यूनिवर्सिटीज और ये स्क्रीनशॉट लो, ये ही आपने फॉर्म में फिल करना है। जो बच्चे हिंदी में नहीं इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं, बट मुझे पता है ज्यादातर बच्चे रूरल एरिया से होते हैं और हिंदी को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, तो आप लोग हिंदी यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। यही आपने सेलेक्ट करवाना है, साइबर कैफे वाला अपने अकॉर्डिंग फॉर्म फिल कर देता है, आपको 100% दिक्कत होगी, पैसा भी जाएगा, पेपर भी अपनी मर्जी का नहीं दे पाओगे, तैयारी किसकी करोगे ये भी नहीं पता चल पाएगा। ठीक है जी, आई एग्री पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, मेरा जो ये है पूरा एग्जाम का पैटर्न कि मुझे ये पेपर देने हैं, पांच पेपर के साथ में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, ये मेरा हो गया है जी सबमिट। ठीक है, अब एग्जाम सेंटर, एग्जाम सेंटर में जैसे आप यूपी से उत्तर प्रदेश से हो तो आपको उत्तर प्रदेश दे रहा है, बहुत अच्छी बात है ना। दूसरा कहाँ है भाई, उत्तर प्रदेश में ही करना है मुझे। तीसरा कहाँ है भाई, तीसरा भी मेरा उत्तर प्रदेश, और कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहा कि भाई मम्मी पापा को बता के भग जाओ कि मम्मी मेरा पेपर ना वहां होने वाला है, मुंबई होने वाला है, दिल्ली होने वाला है, ऐसा ये ऑप्शन ही नहीं दे रहा, क्या करें। फोर्थ जो है वो भी उत्तर प्रदेश ही दे रहा है, ये कह रहा है उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है भैया, है ना, उत्तर प्रदेश में आप अलग अलग जगह ले सकते हो, है ना। तो भाई कोशिश करो कि सबसे पहले आप अपने घर के नजदीक लो, क्योंकि ये मजाक की बात नहीं है, ये पेपर है ना। सेकंड चॉइस आपकी क्या होगी, सेकंड चॉइस भी मैं अपनी मेरठ ही डालना चाहूंगी कि भाई अच्छा ठीक है, नहीं भाई गुस्सा हो, बट हाँ मुजफ्फरनगर डाल लेते हैं, तो ये अपने घर के पास के सेंटर्स डालना, जिससे कि जिस दिन एग्जाम हो तो आप लोग आसानी से पहुंच सके, ज्यादा दूर का मत डालना वरना परेशानी हो जाएगी। जो बच्चे ऐसी सिटीज से होते हैं जहाँ पे जो एग्जाम सेंटर्स होते हैं, जैसे वो कहीं रूरल एरिया में रह रहे हैं, कहीं ज्यादा दूर रह रहे हैं, और उनके घर से जो उनकी सिटी है, जो मेन डिस्ट्रिक्ट है, वो लगभग 200 किलोमीटर या 150 किलोमीटर दूर है, तो ऐसे बच्चों को बहुत दिक्कत हो जाती है ना। जो है वाराणसी के आसपास वाले जो गांव है उन बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, वाराणसी आने में 200-150 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, तो वही 150 किलोमीटर बहुत बड़ा डिस्टेंस है, तो वहां बच्चे को सोचना पड़ता है। बट यहाँ जो जैसे ऐसे डेवलप्ड एरिया में रहते हैं उन बच्चों को नहीं होती है दिक्कत। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि एग्जाम देने तो जाना ही पड़ेगा। तो मेरी ये वाली डिटेल्स भी हो गई है सेव। ठीक है, अब यहाँ मुझे करना है अपना फोटो अपलोड। ठीक है, जो भी बच्चा फॉर्म फिल कर रहा है उसको फोटो अपलोड करना है, और ये ध्यान से देखो ये क्या है भाई, मिनिमम साइज होना चाहिए 10 KB, 10 KB से कम ना हो और 200 KB से ज्यादा ना हो। ठीक है, और दूसरा क्या है आपके सिग्नेचर, ये देखिए ये किस फॉर्मेट में होने चाहिए, JPG या फिर JPEG में होने चाहिए, इसके अलावा कोई और फॉर्मेट ये आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ देखिए आपका जो सिग्नेचर है उसका जो साइज होगा वो 4 KB मिनिमम और मैक्सिमम 30 KB। ठीक है जी, चलिए तो अब हम फाइल को यहाँ पे चूज कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपकी फाइल का जो साइज है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा हुआ तो वो अपलोड नहीं होगा, क्लियर नहीं हुआ तो अपलोड नहीं होगा। यहाँ देखिए मैंने सारी डिटेल्स फिल कर दी है, फोटो यहाँ पे अपलोडिंग पे क्लिक करके आप अपने मोबाइल से वो अपलोड आराम से कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड कर लिया है। ठीक है, तो आप भी अपना ऐसे ही अपलोड करें और सारी डिटेल्स जो है वो दोबारा से एक बार वेरीफाई करें, मैं बोलती हूँ कि दो बार वेरीफाई करें, क्रॉस चेक करें, उसके बाद ही आप अपने फॉर्म को सबमिट करें। और अब फाइनल प्रोसेस आ जाता है आपका, किसका भाई, पेमेंट का, कि भाई अब आपने क्या करनी है जी, पेमेंट करनी है। ये सारा प्रोसीजर हमारा हो गया है फाइनल, तो प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, तो हमें यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करना है। पहले हमने उस टाइम नहीं किया था, बस ईमेल आईडी वेरीफाई की थी, लेकिन यहाँ भी लास्ट में आपसे बोलेगा तो आप अपना मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाई कर लेंगे, सेंड ओटीपी करेंगे और आपके मोबाइल नंबर पे आएगा एक ओटीपी। ठीक है, मैं देख लेती हूँ मेरा मोबाइल कहाँ है। हाँ जी, तो मेरे मोबाइल नंबर पे एक आएगा ओटीपी, वेरीफाई हो जाएगा, इस पे क्लिक करना है और ये हमारा मोबाइल नंबर भी अब वेरीफाई हो गया है। जो भी डिटेल्स होंगी, जो भी इनके अपडेट्स होंगे, वो सब आपको आपके मोबाइल नंबर पे, ठीक है, और ये सारी चीजें आपको यहाँ पे
करनी है, ठीक है, फी पेमेंट करना है, वो अभी एप्ली आपका जो है वो इनकम्प्लीट दिखा रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म, तो मैं यहाँ पे कंप्लीट पे क्लिक कर दूंगी, तो ये क्या हो गया आपका भाई, यहाँ हो गया है कंप्लीट। ओके, तो अब आपने ये क्या कर देना है, यहाँ से कर देना है सबमिट। तो आपको क्या करना है, सारी चीजें चेक करनी है, वेरीफाई कि मेरा नाम भी, मदर नेम, मोबाइल, कोर्स, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, सब्जेक्ट, ये सब चीजें आपने कर लेनी है क्लिक, और इसे कर लेना है फाइनल सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करते हैं फाइनल, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा किसका, पे नाउ का। तो यहाँ आपकी जो फीस बैठ रही है वो कितनी बैठ रही है, 1800 रुपये बैठ रही है। जो जो चीजें आपने सेलेक्ट की हैं उनको देखते हुए आपकी टोटल फी बैठ रही है 1800 रुपये। 1000 तो देने ही है, लेकिन जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप चूज करोगे उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे पेमेंट करनी है। मैं मानती हूँ लास्ट ईयर से बहुत महंगा इस बार इनकी फीस हो गई है, लेकिन हाँ, अगर आपने पेपर देना ही है, इसमें पार्टिसिपेट करना ही है, तो वो आपने करना पड़ेगा। किसी की 1000 भी हो सकती है, 1500, 1600 भी हो सकती है, 1400 भी हो सकती है, और यहाँ फाइनल जो आपकी दिख रहा है फी, वो दिख रही है 1800 रुपये। तो आपको यहाँ किसी भी पेमेंट मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो पेमेंट पे जैसे आप इन पेमेंट मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएंगे। एक सेकेंड, ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, हाँ। तो आप यहाँ यूपीआई से, कार्ड से, नेट बैंकिंग से, किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं। आपके पास यहाँ इंस्टॉल्ड यूपीआई एप्लीकेशन कर लो, या फिर आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। यहाँ आपके पास क्यूआर कोड का भी ऑप्शन आएगा, वो भी आप क्यूआर कोड यहाँ लेके और उसका फोटो खींच के जिससे भी आपने पेमेंट करानी हो उसे भेज सकते हो, तो वो पेमेंट कर देगा, तो आपका ये फॉर्म फिल हो जाएगा। मेरे हिसाब से बी फार्मा के लिए फॉर्म फिल करना अब आपको आ गया होगा, तो आप इसी प्रोसीजर के साथ अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत, परेशानी या डाउट हो, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, आप उसमें जाके कमेंट्स करें, अपने क्वेश्चंस पूछें, उसका रिप्लाई और उसका आंसर मैं आपको जरूर करूंगी। और दूसरी चीज, आपको सीयूईटी की तैयारी करनी है बी फार्मा के लिए, वो भी फ्री टेस्ट पोर्टल के साथ, तो आप हमारी एप्लीकेशन पे जाके सीयूईटी का कोर्स ले सकते हैं, जिसका प्राइस ओनली 199 है। अभी तक ये बिल्कुल फ्री था, लेकिन अब हमने इसमें आपके लिए और भी चीजें ऐड कर दी हैं, जैसे कि इसमें आपको कुछ वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे तैयारी के लिए, आपके एग्जाम टाइम पे यहाँ आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगी फॉर गाइडेंस। तो चीजें ऐड हो गई हैं, इसलिए इसका प्राइस 199 रुपये मात्र है, जिसमें 10,000 से ज्यादा हिंदी और इंग्लिश के एमसीक्यूज मिलेंगे आपको, और इसमें आपको गाइडेंस भी मिलेगी टीचर्स की। इसके अलावा टेस्ट पोर्टल बिल्कुल फ्री मिलेगा, आप लोग जाके टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।